हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं स्कॉटलैंड ट्रिप का हमारा पार्ट टू, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ आइल ऑफ स्काई के कुछ बहुत ही खूबसूरत शहर और स्टनिंग व्यू वाले माउंटेन्स। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि एडिनबरा में ऐसी कौन कौन सी जगह है जो आप अपने ट्रिप में बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहेंगे। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप अपने ट्रिप में कोई भी चीज़ मिस ना करें। तो ये है हमारे ट्रिप का तीसरा दिन और अब हम जा रहे हैं आइल ऑफ स्काई। तो इन्वर्सनेस के सेम बस स्टॉप से हमने बस ली है जहाँ से हमने लॉकनेस एंड हाईलैंड्स के लिए बस ली थी। तो इसके लिए भी हमने टिकट एडवांस में बुक की थी, तो आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग टिकट पहले से बुक कर लें। तो रेबी स्टोर को मैं हाईली रिकमेंड करूँगी उनकी सर्विस के लिए, और इसके लिए हमें लगे थे 62 पाउंड पर हेड और ये पूरा 12 घंटे का हमारा सफ़र था। तो हमारी बस 10 मिनट के लिए रुकी थी एलन डोनन कैसल के लिए। तो ये कैसल आपको बहुत से हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवीज़ में देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास आपकी पर्सनल कार है तो आप ये कैसल नीचे से जाकर भी देख सकते हैं। तो ब्रिज क्रॉस करके हमारी बस एक जगह रुकी थी जहां से हम ये कैसल और ये खूबसूरत माउंटेन्स देख सकते हैं। तो कुछ कुछ होता है का टाइटल सॉन्ग इसी जगह पर शूट किया गया था। और उसके बाद हमारी बस रुकी थी लॉक एनॉट में। ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस वक्त यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घने बादल आ गए थे। तो आइल ऑफ स्काई में 90% चांसेस होते हैं बारिश होने की, तो हमें तो यहाँ बारिश नहीं मिली थी, पर आप जब भी यहाँ जाएं तो अपने साथ एक अम्ब्रेला लेके ज़रूर जाएं। और उसके बाद हम पहुँचे द ओल्ड मैन ऑफ स्टॉर में। इसकी भी अपनी एक अच्छी हिस्ट्री है, तो बस में आप सारे इन जगहों की हिस्ट्री के बारे में आपको बताया जाएगा। और उसके बाद हम गए एक बहुत ही पुराने ब्रिज में और वहां से माउंटेन का नजारा बहुत ही सुंदर था। और यहाँ एक छोटी सी नदी है जिसमें पहाड़ों का बर्फीला पानी आता है। तो यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आप अपना चेहरा इसमें 7 सेकंड्स के लिए डाल लें तो आपका चेहरा बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। और उसके बाद हम लकी थे कि हमको यहाँ स्कॉटिश गाय देखने को मिली, तो इसे स्कॉटिश काऊ ही कहा जाता है। तो रेबीज टूर्स मुझे इसीलिए पसंद आया था क्योंकि उन्होंने जहाँ पर भी लगा कि टूरिस्ट को ये चीज़ देखनी चाहिए वहाँ पर वो गाड़ी रोककर हमें अलाउ किए जाके देखने के लिए। तो ये जो ब्लैक कलर में है वो है मेल और जो ब्राउन कलर में है वो है फीमेल। और उसके बाद हम रुके आइल ऑफ स्काई के कैपिटल पोर्ट्री में। तो यहाँ हमें 2 घंटे का ब्रेक मिला ताकि हम ये शहर अच्छे से घूम सकें और कुछ खाना खा सकें। तो जो चीज मुझे बहुत पसंद आई वो थी ये कलरफुल घर। अगर आप मेरे जैसे वेजिटेरियन हैं तो आपको यहाँ पर कुछ सैंडविच खाने को जरूर मिल जाएगा। और यहाँ पर ही बनने वाली आइसक्रीम यहाँ की बहुत फेमस है, तो आप ये टेस्ट कर सकते हैं।
और पोटरी को बाय बाय बोलने के बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन को देखने के लिए। और उसके बाद आ गए हम एक पेनिनसुला में, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर थी। दूर दूर तक यहाँ पर आपको नीला आसमान और पानी देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास ड्रोन कैमरा है तो आप यहाँ भूलकर भी मत चलिएगा, क्योंकि यहाँ वो स्ट्रिक्टली मना है। और उसके बाद हम रुके खुरेंग में, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है और पूरे ट्रिप में मुझे ये जगह बहुत ही पसंद आई। तो यहाँ बहुत ही अच्छी हवा चलती है और आप यहाँ पर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम रुके एक छोटे से विलेज में जिसका नाम था उक। तो यहाँ जो चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट की वो था यहाँ का पानी का कलर। तो आई लव स्काई घूमने का सबसे अच्छा सीजन है अप्रैल टू अक्टूबर तक। इस वक्त यहाँ पर कम बारिश होती है और आपको सारे जो सीनरी से वो अच्छे से देखने को मिलेंगी। तो शाम हो चुकी थी और हम निकल गए थे इन्वर्सनेस के लिए। तो हमारे आइल ऑफ स्काई का सफर बस यहीं तक था, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रिलैक्सिंग था। और मैं आपको स्कॉटलैंड की एक दिलचस्प बात बताती हूँ। यहाँ रात के बज रहे हैं तकरीबन 10:15 और आप बाहर का नजारा देखिए। तो गर्मी के दिनों में यहाँ पर अंधेरा होता है रात के 11:30 के बाद, और सुबह 3 बजे है यहाँ उजाला हो जाता है। तो हम दूसरे दिन सुबह पहुंच गए एडिनबरा और आज है हमारे टूर का 4th दिन। तो यहाँ होटल्स की स्टार्टिंग रेट्स है £50 per night। तो हमें बहुत भूख लग गई थी और अब हमें कुछ इंडियन खाना था, तो वहां हम गए मदर इंडिया कैफे, जहाँ का खाना बहुत ही डिलीशियस था। और उसके बाद हमने लिया हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। तो इस बस से आप पूरा सिटी टूर कर सकते हैं और इसके रेट्स होते हैं £10 से लेकर £56 per head। तो आप किसी भी बस स्टॉप पर उतरकर वहां घूमकर किसी भी बस स्टॉप में फिर से बस पकड़ सकते हैं और आप टिकट किसी भी बस स्टॉप में ले सकते हैं। ये है एडिनबरा का कैसल और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आप कैसे जा सकते हैं और आपको किस रेट पे यहाँ पर टिकट मिलेंगे। तो कैसल वाले बस स्टॉप में हम उतर गए और वहां से हम चल पड़े हैं एडिनबरा का कैसल देखने। तो कैसल के रास्ते में आपको बहुत सारे आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे।
और हम पहुंच गए हैं एडिनबरा का कैसल। तो यहाँ की टिकट आप एडवांस में ही बुक कराएं, क्योंकि कोविड की वजह से यहाँ एंट्री पे लिमिट लगा दी गई है। तो यहाँ आपको ये ऑनलाइन मिलेगी एडल्ट के लिए 15 pounds 50p और किड्स के लिए 10 pounds 50p। वाह, सो नाइस। और हमने फिर से बस ले ली और हम निकल गए सिटी टूर के लिए। तो जो जगह हमें बहुत अच्छी लगती थी, हम वहाँ उस बस स्टॉप में उतर जाते थे। तो यहाँ बहुत सी बस सर्विसेज हैं, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बस सर्विस ले सकते हैं। ओपन बस टूर एक बार ट्राई जरूर करिएगा, ये बहुत ही मज़ा आता है। और अगर आपको कोई हिंदी मूवी DDLJ मूवी का कोई सॉन्ग अगर याद आ जाए तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो गाना मुझे भी याद आया। तो आप बताइएगा कि वो गाना कौन सा है। तो एडिनबरा में ट्रेन भी चलती है और आप चाहे तो इसमें भी सफर कर सकते हैं। आप यहाँ के ओल्ड टाउन और हाई स्ट्रीट में भी शॉपिंग कर सकते हैं और आप यहाँ की हिस्ट्री जानने के लिए यहाँ का नेशनल म्यूजियम भी जा सकते हैं। तो एडिनबरा में आप कुछ और जगह भी घूम सकते हैं, जैसे कि डीन विलेज, रॉयल ब्रिटानिया और आर्थर सीट। तो स्कॉटलैंड का हमारा 4 रात और 5 दिन का सफर यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा और मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे ही मैं आपको और भी अच्छे अच्छे ऐसे ही ब्लॉग बताऊंगी और मेरी रेसिपीज भी अपलोड करूंगी।